फाइनली ब्रो टाइम पे पहुंच गए आज जाओ मस्जिद और सब कुछ रेडी है चार मिनट हेलो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ पहले से बेहतर होंगे। तो भाई आज से फिर हम चल पड़े हैं जामा मस्जिद की तरफ लेकिन आज फिर कुछ नया क्या है भाई पूरी फैमिली के साथ हैं इफ्तार करने जा रहे हैं। पहली भी हम इफ्तार करने गए थे जिसमें हम सक्सेस नहीं रहे थे लेकिन आज हम बिल्कुल टाइम से पूरी तैयारी से गाड़ी में सब लोड होके बाकी पीछे देखो तो भाई छोटी सी गाड़ी में पूरी फैमिली है सिर्फ फैमिली में एक नहीं एक व्यक्ति की कमी भाई नहीं है क्योंकि आज उन्होंने रोजा नहीं रखा। ठीक है चलो आओ दिखाते हैं तुम्हें पूरा इफ्तार एक दिल्ली के मुस्लिम के फैमिली के साथ जामा मस्जिद पर। कम ऑन अगेन हमें जाने की वहाँ जरूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि भाई पहले हम अकेले गए थे और इफ्तार पे नहीं पहुंच पाए थे इंतजाम से नहीं गए थे और आज फिर से हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई पूरे इंतजाम से फुल एंजॉय के साथ ये व्लॉग बनेगा और बाकी फैमिली तो देख ही चुके हो। चलो बाकी आज मतलब पूरे दिन में जाएंगे बराबर एकदम रोशनी में। उस दिन रात थी अंधेरा था और भाई अभी कल परसों एमएस के भाई भी आए थे दिल्ली जामा मस्जिद जिन्हें देख के मुझे लगा फिर से मुझे जाना चाहिए क्योंकि भाई इस टाइम पर ट्रेंडिंग है। भाई सीन कुछ ऐसा है कि फैमिली पहुंच गई है अभी हम गाड़ी की पार्किंग लगा के आए हैं बड़ी मुश्किल हो जाती है पार्किंग वगैरह लगाना तो मैंने अभी रैयान को बाहर बुलाया है। क्या क्या ले लिया दिखा दो। हाँ जी थोड़ी जल्दबाजी में है यार वीडियो नहीं बना पा रहे। चलो खैर हाँ भाई तो ब्रो रियान भाई सीन ऐसा है कि भाई बड़ी जल्दबाजी में हमने यहाँ से शॉपिंग करी है अपने खाने पीने की इफ्तार की। ठीक है अब ऊपर चलते हैं बस थोड़ा सा टाइम रहेगा 4-5 मिनट या 10 मिनट रह गए। ठीक है चलो जल्दी से जूता उतारो। तो फाइनली ब्रो टाइम पे पहुंच गए आज जाओ मस्जिद और सब कुछ रेडी है चार मिनट क्या अभी तो लग रहा है अच्छा लग रहा है ये बेइज्जती हुई तुम पे। तो भाई देखो ये काम ना हर कोई नहीं करता यहाँ पर ये जो है ना एक कूड़ा एक जगह जमा करके रखो अपना और लेकर जाओ क्योंकि भाई ये मस्जिद है। ठीक है पिछली वीडियो में तुमने मैंने लोगों तुम लोगों को बताया था क्योंकि यहाँ पे जाते टाइम ना बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। बस ठीक है जी तो भाई ये इफ्तार रेडी हो गया अपना है भाई अद्दस भाई बताओ क्या कहते हो तुम है ये देता मुन्नी ये हमारी अम्मी ये ठीक है हो गया अल्लाहुम्मा इन्नी लक संतु वबी का आमंतु वाली का तवक्कल तो वाला रिस्क का UA Vlogs. सब्सक्राइब करोगे ना नहीं करोगे नहीं करोगे हाँ चलो सही है
यूएसए नहीं यूए तो भाई फिर से बड़ी मेहनत करके दुमजले पे आ गए। देखो ये देखो दुमजला तो फिलहाल नमाज वमाज पढ़ के फारिग हुए हैं। इसके बाद वही सेम पुराने जैसा अपना प्लान है, ठीक है। फिलहाल सांस फूली पड़ी है, कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। पहले भी मुझे कुछ बच्चे मिले थे यहाँ पे, फिर मिलो भाई से हाँ भाई हाँ भाई क्या हाल है? बच्चे ज़्यादा खो रहे हैं, इसका ध्यान रखना। हाँ हाँ तो बहुत कुछ हो चुका है यहाँ से निकलने का। क्या कह रही हो? हाथ धो इधर भाई। अच्छा ये पानी मैंने सुना था कि कभी गंदा नहीं होता, लेकिन तो आज मैं इसे भी गंदा दिख रहा हूँ। लेकिन ये पाइप चलना तो बंद हो गया। भाई ऐसा लगता है जैसे कि पूरे दिल्ली के मुस्लिम्स यहाँ आ गए हैं। मतलब टोपी है टोपी है, बुरके है बुरके, और भाई इतनी ज्यादा रौनक, मतलब पूछ नहीं सकते। और भाई यहाँ पे आप थक भी जाते हो, अब थोड़ी सी गर्मी और हो गई, गर्मी भी लगती है। बाकी भाई अगर आना हो ना यहाँ पर तो 4 बजे से पहले ही आना यहाँ पर, ठीक है। तो जगह भी नहीं मिलेगी। चलो खैर अब हम आ जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर उसके बाद अपने घर की तरफ। चलो भाई चलो, अब नीचे जाने का वक्त आ गया। लेकिन नीचे देखते नीचे देख के ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे बड़ी कैडी वाली। तो भैया बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद बाहर निकल के आए हैं। तो इन होटलों पे आप लोग अपने मतलब कि लोगों को अपनी तरफ से खाना खिला सकते हो, जैसे ये लोग खा रहे हैं। यहाँ पर आप पेमेंट करो, ये लोग आपकी पैसे से इन लोगों को खाना खिलाएंगे, जिससे कि मतलब आप उनका काम कर सकते हैं, मतलब डोनेशन वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक तरीका, अच्छा तरीका है, ठीक है। खैर अपना असलम चिकन आ गया भाई। चलो ये आज नई वाली ब्रांच में हम जाएंगे, देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है। क्या कह रहा अब्बू जी चिकन भाई अब्बू जी चिकन इसलिए बोल रहा है क्योंकि इनके अब्बा का नाम भी असलम है। ये मालिक है भाई, काफी बेहतरीन बनाया हुआ है, बहुत बड़े स्पेस में बनाया हुआ है अभी इन्होंने, मतलब कुछ दिया है भाई। इतना जबरदस्त इंटीरियर भाई, बढ़िया है। फाइनली के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना प्यारा इंटीरियर हो सकता है। अरे तो पुरानी दिल्ली तो और क्या है, तू बताएगा अब हमें है? तू बताएगा? तो भाई यहाँ पर ना भीड़ की वजह से हर जगह ऐसा हाल है कि आपको हर जगह पर ना वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने तकरीबन आधा घंटा इस टेबल का वेट करना पड़ा जब जाके हमें टेबल मिली, और अब फिर हमें वेट ऑर्डर का वेट करना। लेकिन यार जो यहाँ का टेस्ट होता है ना, और यहाँ की जो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे जामा मस्जिद या मतलब जो एक वाइब्स होती है ना, उसके लिए यार वेट करना पड़ता है। जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, ऐसे एक्सपीरियंस के लिए ना वेट करना ही पड़ता है यार। अगर ईजिली मिल जाए ना ये एक्सपीरियंस तो किसी को पसंद नहीं आएगा। तो यार अभी ऑर्डर किया है, अभी साफ़ सफाई होनी बाकी है टेबल की, उसके बाद अपना ऑर्डर आएगा, खाना आएगा, खाएंगे और फिर बाहर की तरफ जाएंगे। ये देखो अली, ओए अशिया भाई कुछ कह दो।
तो आज हमारी मम्मी पहली बार खा रही शाही टुकड़ा है। बड़े दिन से कह रही थी मैं भी खाऊंगी जी, क्या होता है ये। चलो खैर, तो भाई अब हो चुका है रुख बाहर की तरफ का, ठीक है, क्योंकि खा भी लिया पी भी लिया तार भी कर ली, और अब कुल मिला के यह है मामला कि भाई मीठा भी खा लिया। अब चल रहा है बाहर की तरफ और हाफ हाँ में जाना है अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी है भाई काफ़ी दूर, और दूर खड़े करने का रीज़न दो है कि एक तो भाई जाम, और दूसरा कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है, तीसरा कि भाई हम यहाँ से पैदल चल के जाएंगे तो खाना जो है ना हजम भी हो गया होगा, तो ये है मामले कुछ। चलो खैर बाहर तक चलते हैं, अब एक काम करते हैं ना, बाहर चलते हैं, बाहर के लिए ना रिक्शा कर लेते हैं। अरे भाई, तो भैया आ जाओ चलो। तो भैया समझदारी इसी में है कि रिक्शे से चला जाए, क्योंकि भाई देखो काफ़ी दूर है, बिल्कुल बाहर है रेड लाइट पे हमारी गाड़ी, और वहाँ पे भी खड़े होकर इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अंदर से निकाल के लाऊँगा गाड़ी, ठीक है। चलो चलते हैं। ये भी ओवरलोडेड हो चुका है, क्योंकि पीछे की सवारी भी भर चुकी है, आगे भी जगह नहीं बची जैसे हमारी गाड़ी में था, ठीक है। गाड़ी भी हमारी छोटी पड़ गई है जितने लोग हैं साथ में, जबकि फैमिली के एक मेंबर रह गए घर पर, ठीक है, फिर भी खैर मैनेज करते हैं यार, मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब क्लास लोग हैं। बड़ी गाड़ी भी आएगी एक दिन इंशाल्लाह, है हाँ एक बड़ी बाजी, लेकिन उनकी तो यार शादी हुई है, वो अपने गाँव में शादी दोनों बहनों की हुई है। वो यहाँ की भीड़ है, कैसे भीड़ में भाई कभी कभी की अच्छी लगती है, हर रोज की ना बड़ी दिक्कत देती है। तो भाई एक बड़ी लंबी क्या बोलते हैं स्ट्रगल करने के बाद हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे हैं, बड़ी सही पार्किंग मिल गई थी मुझे गलती से। खैर भाई बढ़िया दिन गया आज का हमारा, बहुत ज़बरदस्त दिन गया। बाकी अब हम सबको बिठाएंगे फिर अपना चलते हैं घर पे, जब तक के लिए मेरे भाई अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, फिर से मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के। कोशिश रहेगी कि भाई नेक्स्ट टाइम भी एक हमारा फैमिली व्लॉग रहेगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। जब तक के लिए भाई बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अगर पसंद आई हो मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।